जी की सफेद हो गई, लेकिन भगवान नारायण की तो अभी तक दाढ़ी नहीं आई, मुछ नहीं आई। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या बात बोलते हो, उम्र में मैं बड़ा हूं आपसे, इसलिए आदर के साथ अभी तक तुम लेटे हुए हो, मैं खड़ा हूं, उठ करके मुझे प्रणाम करो। भगवान नारायण कहने लगे, ब्रह्मा जी क्या बात बोलते हो, मेरे नाभि से आप उत्पन्न हुए हो, मेरे नाभि से कमल जो गया उस कमल में आप उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हो सकता है आपके नाभि से जो कमल गया मैं उसमें उत्पन्न हुआ, लेकिन भैया कमल तो आपके ऊपर ही है, आप नीचे हो। जब आप नीचे हुए तो मैं बड़ा हुआ, और दोनों में शुरू हो गया तू तू मैं झगड़ा, और झगड़ा हो गया तगड़ा। झगड़ा जब होता है तो फिर छूटा गया, तगड़ा हो गया और भयंकर झगड़ा होने लग गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने भाई ब्रह्मास्त्र उठाया। भगवान नारायण को क्रोध आया, भगवान नारायण ने नारायणी अस्त्र, दोनों ने एक दूसरे को लक्ष्य बना करके अस्त्र जैसे ही छोड़ा, कहते उसी मध्य से भगवान शंकर का एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। जब शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी को लगा इस युद्ध को रोकने के लिए कोई आया है, नारायण को लगा इस युद्ध को रोकने के लिए कोई आया है। दोनों आपस में चर्चा करने लग गए, लेकिन आया कौन है, कौन ये? आकाश में देखो तो दूर तक यही दिखाई देता है, पाताल में देखो तो दूर तक यही दिखाई देता है। ब्रह्मा जी के पांचवें सिर ने कहा, एक ही उपाय है कि भाई नारायण आप नीचे जाओ। और ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी मैं ऊपर जा रहा हूं, जो इस शिवलिंग का अंत खोज लेगा वही बड़ा कहलाएगा, वही विद्वान कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखा भाई नीचे तो जल ही जल है, जल में कौन जाएगा, डूबना है क्या, मरना है क्या, ऐसे ही बूढ़े। भगवान नारायण वराह का रूप धारण करके उस जल में प्रवेश करते हैं। कई वर्षों तक, शिव पुराण की कथा के अनुसार, कई वर्षों तक भगवान नारायण उस जल के भीतर जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, धरती मिल गई, हिरणाक्ष का वध भगवान ने कर दिया, लेकिन उस शिवलिंग का अंत नहीं मिला। तो भगवान वही वराह का अवतार धारण करके वापस ऊपर आ गए। नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी हमको तो कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बारी, हम जाते। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया, और हंस का रूप धारण करके आकाश मार्ग पर जाने लग गए। कई सदियां बीत गईं, आकाश मार्ग पर जाते गए, जाते गए, जाते गए, आकाश में ऊपर से गिरता हुआ एक केवड़े का पुष्प दिखाई दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने पुष्प पकड़ा, अब ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को पकड़ा और पूछा, कहां से आ रहे हो? पुष्प कहने लग गया, मैं ऊपर से गिर रहा हूं। ऊपर कहां से? कहने लग गए, शिवलिंग के माथे से। अच्छा, कितनी दूर है? कहने लग गए, कई सदियां बीत गई, मैं गिरे जा रहा हूं, अभी तक अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा, कई सदियों से तो मैं ऊपर आ रहा, फिर कई सदियां जाऊंगा, बूढ़ा ऐसे ही हो गया हूं, पता चला ऊपर जाते जाते सदियां बीत जाएंगी, फिर नीचे आते आते हम ही बीत जाएंगे, इससे अच्छा है कि भैया एक प्रूफ तो मिल गया कि अंत खोज लिया। लेकिन एक से काम नहीं चलता ना, गवाह तो एक दो और होना चाहिए। गौ माता थी, ब्रह्मा जी को वहां गौ माता दिखी। ब्रह्मा जी ने गौ माता को कहा, अरे गौ माता, मैं ये तो देख दे दूंगा नारायण को, नारायण ये देख मैं पुष्प लाया हूं, लेकिन गवाह तुम्हें देना होगा, तू गौ है ना, गवाह देना होगा, गवाही देना होगा। गौ माता कहने लग गई, मैं गवाही नहीं दूंगी,
कहने लगे मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने तुझे उत्पन्न किया है। जब मैं नारायण को कहूंगा ये पुष्प मेरे, मैंने शिवलिंग के माथे से लिया है, तो तू अपना सिर हिला देना। एक हाथ में गौ माता को पकड़ा ब्रह्मा जी ने, दूसरे हाथ पे केवड़े का पुष्प, भगवान नारायण के समक्ष गए। नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी अंत खोज लिया? ब्रह्मा जी ने मिथ्या कहा, मैं अंत खोज कर लाया हूँ, अंत की गवाही भी लाया हूँ, अंत का प्रमाण भी लाया हूँ। ब्रह्मा जी ने केवड़े का पुष्प दिखाया, कहने लगे ये पुष्प है जो शिवलिंग के माथे से मैं लेकर आया हूँ, और गवाही गौ माता देगी। गौ माता ने जैसे ही सिर हिलाया, भगवान शिव का वह शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान क्रोध में आकर के उस शिवलिंग से उत्पन्न भगवान शंकर के हाथ में जो त्रिशूल था, वह त्रिशूल ब्रह्मा जी के गर्दन पर चलाया, ब्रह्मा जी का पांचवा सिर कट गया। भगवान शंकर क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, अरे ब्रह्मदेव तुमने मिथ्या कहा है, इसलिए जाओ पूरी दुनिया में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। गौ माता तुमने ब्रह्मा जी की मिथ्या गवाही दी है, इसलिए जाओ कलयुग में तुम्हारी भी व्यवस्थाएं कमजोर हो जाएंगी। केवड़े के पुष्प को श्राप दिया, जाओ तुम्हारा जीवन में कहीं भी पूजन में उपयोग नहीं होगा। तीनों भगवान की स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा करो, केवड़े ने भी क्षमा मांगा, गौ माता ने भी भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़ा। भगवान शंकर दयालु है, भगवान शंकर ने केवड़े के पुष्प को फेंका धरती पर, और ब्रह्मा जी को कहने लगे ब्रह्मदेव यह पुष्प जहाँ गिरेगा उस स्थान पर तुम्हारा मंदिर होगा, केवल वहीं तुम्हारी पूजा होगी। पुष्प राजस्थान में पुष्कर में गिरा, तभी से उस स्थान का नाम पुष्कर हुआ, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर बना, भगवान ब्रह्मा की उसी स्थान पर पूजा होती है। केवड़े को पुष्प को कहा अरे पुष्प जा, तूने भी क्षमा मांगी है, तेरी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन मेरा जहां भी मंदिर सजेगा, मेरे मंदिर के मंडप के ऊपर तेरे पुष्प को सजाया जाएगा, तेरे पुष्प से मेरी शोभा बढ़ेगी। और गौ माता को कहने लग गई, गौ माता कलयुग में जो लोग तुम्हारी कथाओं को सुनेंगे, तुम्हारी सेवा करना आरंभ करेंगे, उन्हें कलयुग में इस काल व्याल के मुख से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे भगवान शिव ने गौ माता को आशीर्वाद दिया। इसलिए गौ माता की सेवा करके इस कलयुग से छुटकारा पाओ।